हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ गोटी अंजलि. चैप्टर 8, टेंस एंड वॉन्ट्स. सो एज वी नो दैट इन टू डिजिट नंबर्स, फर्स्ट वन इज टेंस एंड अदर वन इज वॉन्ट्स. सो एज अ एग्जाम्पल, नंबर 35. सो थ्री, फर्स्ट वन इज टेंस, दिस प्लेस इज टेंस एंड दिस प्लेस इज वॉन्ट्स. सो इन टू डिजिट नंबर्स, फर्स्ट वन इज टेंस एंड अदर वन इज वॉन्ट्स. सो यहाँ पे हमें एक गर्ल एंड एक अंकल है, उनकी कॉन्वर्जेशन दी हुई है अबाउट टेन एंड वॉन्ट्स. सो अंकल, आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल फॉर 18 रुपीज. आई हैव जस्ट 10 रुपीज नोट्स एंड 1 रुपीज कोइंस. हाउ मेनी नोट्स एंड कोइंस शुड आई गिव यू? सो दिस गर्ल इज आस्किंग अंकल फॉर 18 रुपीज, टू गिव अ 18 रुपीज. आई हैव जस्ट 10 रुपीज नोट एंड 1 रुपीज कोइंस. तो जो ये गर्ल है उसके पास कितने पैसे है? तो सारे 10 रुपीज के नोट है एंड 1 रुपीज के कोइन है. तो शी इज आस्किंग टू मेक अ 18 रुपीज. 18 रुपीज बनाने के लिए उसको कितने टेंस की जो नोट है वो देनी पड़ेगी और जो कोइंस है 1-1 के वो देने पड़ेंगे. अंकल सेज 18 रुपीज मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपीज कोइंस. सो टू मेक 18 रुपीज शी नीड टू गिव 1 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपीज कोइन. तो 18 रुपीज देने के लिए उसको एक 10 रुपीज की नोट देनी पड़ेगी और जो 1-1 रुपीज के कोइन है वो कितने देने पड़ेंगे? 8. तो क्या हो जाएगा? 10 रुपीज की नोट एंड देन 8 कोइंस. 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 रुपीज. यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो ये एक 10 की नोट है, 10 रुपीज, 1 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपीज कोइन. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल 8 रुपीज के 1 रुपीज कोइन हो गए. तो उस 18 बनाने के लिए उसको एक 1 रुपीज, 1 नॉट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपीज कोइंस. नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉट्स एंड कोइंस डू आई नीड टू गिव अ 35 रुपीज. सो कितने नॉट्स और कोइन देने की जरूरत है टू गिव अ 35 रुपीज? नाउ शी इज आस्किंग अबाउट 35 रुपीज. अर्लियर शी हैज आस्क्ड अबाउट 18 रुपीज, नाउ शी इज आस्किंग अबाउट 35 रुपीज. तो 35 रुपीज देने के लिए कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे? सो अंकल सेज यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट्स एंड 5 कोइन ऑफ 1 रुपीज. तो अभी नाउ फॉर 35 रुपीज यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट एंड 5 कोइन्स ऑफ 1 रुपीज. तो 10 यहाँ पे हमने देखा था कि 1 नॉट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपीज कोइन. तो इसी तरह से टू मेक अ 35 शी नीड टू गिव 3 नॉट ऑफ 10 रुपीज. यहाँ पे हमें टेंस की जगह पे कितने दिए? जैसे फर्स्ट 18 था तो ये 10 प्लेस है एंड दिस वन इज वॉन्स. सो 10 के प्लेस पे 1 था, सो शी नीड टू गिव 1 नॉट ऑफ 10 रुपीज. बट नाउ ऑन प्लेस टेंस इज 3, सो शी नीड टू गिव अ 3 नॉट ऑफ 10 रुपीज. 3 नॉट ऑफ रुपीज 10 एंड नाउ यहाँ पे 8 था तो 8 1 रुपीज कोइंस दिए थे. यहाँ पे 5 है तो कितने देने पड़ेंगे? 5 1 रुपीज कोइंस. तो यहाँ पे जो 10 के प्लेस पे था उतनी उसको नॉट ऑफ 10 रुपीज की देनी पड़ेगी और वंस पे जितने हैं उसको उतने 1 रुपीज कोइन देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे 35 था तो उसको 3 नॉट्स ऑफ 10 रुपीज एंड 5 1 रुपीज कोइंस. उसी तरह जैसे 18 था तो 18 की जगह पे 1 की जगह प्लेस पर 1 था तो 1 नॉट ऑफ 10 रुपीज. यहाँ पे 3 है तो 3 नॉट ऑफ 10 रुपीज और पीछे का 1 मतलब उतने उसको 1 के कोइन देने पड़ेंगे. यहाँ पे 8 था तो उसने 1 के कोइन 8 दिए थे और यहाँ पे 5 है तो उसने 1 के कोइन 5 दिए है. ओके अंकल, इफ अभी क्या ये गर्ल अगेन पूछ रही है किसी नंबर के बारे में. सो अंकल सेज हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट. सो अंकल पूछ रहे कि तुम्हें कितनी पेंसिल्स चाहिए, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट. सो गर्ल से
None. Thank you, uncle, for helping me with my homework. So this girl doesn't want to buy any pencils. She was asking for just her homework. वो सिर्फ अपने homework के लिए पूछ रही थी, उसको कोई भी pencil खरीदनी नहीं थी. तो यहाँ पे 10 and 1s, जो first number, two digit, there are two digit numbers and first one is called 10s and second one is called 1s. Next, can you do this without uncle's help? Draw the 10 rupees notes and 1 rupees coins you will give for these things. तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल दिए, books for 20 rupees, bag for 32 rupees and color box for 55 rupees. तो यहाँ पे जैसे हमने आगे देखा था कि पेंसिल्स के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, और फिर अगेन पूछते हैं कि 35 के रुपीस मुझे कितने देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे इसी तरह से हमें जो पैसे दिए रुपीस 20, 32 एंड 55, तो उसके लिए हमें 10, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 10 रुपीस एंड हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 1 रुपीस देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे वो हमें करना है विदाउट अंकल्स हेल्प, खुद से करना है. सो फर्स्ट है books for 20 rupees. So 20, here in place of 10s 2 hai and 1 ke place pe 0 hai. This one is 10 and this one is 1s. To yahan pe jo 10s pe hai wo 2 hai, that means we need to give a 2 note of 10 rupees. And yahan pe 1s pe 0 hai, that means ki hame koi bhi 1 का कोई नहीं देने पड़ेगा, क्योंकि देर इज अ 0. सो यहाँ पे हमें 10 की 2 नोट देनी है, तो उसके लिए हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी 10 रुपीज की 2 नोट्स. रुपीज 10 एंड हियर इज ऑल्सो रुपीज 10. और जो 1 है उस पर 0 है, तो कोई भी हमें 1 का कोई ड्रो नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20. यहाँ पे 10 के प्लेस पर 2 है, दैट्स वाई वी नीड टू गिव अ 2 नॉट ऑफ 10 रुपीज. नाउ सेकंड वन, 32. सो हियर इन प्लेस ऑफ 10 3 एंड हियर 1s 2. सो यहाँ पे 3 है, तो वी नीड टू गिव 3 नॉट ऑफ 10 रुपीज. एंड यहाँ पे 1 पे क्या है, 2 है, दैट मीन्स की 2 1 रुपीज कोइंस. सो 3 है यहाँ पे, तो हमें 3 टेंस की नॉट ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे. रुपीज 10 सो 10 10 10 इज इक्वल टू 30. नाउ 2, तो यहाँ पे हमें कोइन 1 1 के कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, 2. तो यहाँ पे 2 कॉइन आ जाएंगे. यहाँ पे हमने 1 का कॉइन एक भी ड्रो नहीं किया था, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या था, 0 था, एंड हियर 1 प्लेस पर 2 है, दैट्स वाई वी नीड टू ड्रो 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज. सो 10 10 10 इज इक्वल टू 30 एंड 2, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32. नेक्स्ट है 55. तो यहाँ पे हमें 10 के प्लेस पे भी 5 है एंड 1s के प्लेस पे भी 5 है. देखिए यहाँ पे दोनों 5-5 है, दैट मीन्स कि वी नीड टू ड्रो 5 नॉट ऑफ 10 रुपीज एंड 5 रुपीज कोइंस. तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 रुपीज की नॉट 5. रुपीज 10 एंड यहाँ पे 5 वंस है, तो 5 कोइंस आ जाएंगे. यहाँ पे रुपीज कर कर 1 लिख देना है सिर्फ. सो फर्स्ट था 20, यहाँ पे 10 के प्लेस पे 2 था, तो हमने 10s की 2 नॉट ड्रॉ की. यहाँ पे 1s पे 0 था, तो दैट मीन्स कि कोई भी कोइन यहाँ पे नहीं आएगा. 32, तो यहाँ पे 10 के प्लेस पे जो फर्स्ट होता है, यहाँ से जो नंबर शुरू होता है, वो इनिशियल नंबर जो होता है वो 10s होता है, एंड सेकंड वन इज 1s.
तो यहाँ पे 3 है तो 3 टेंस एंड 2 वंस, तो यहाँ पे 3 10 है तो 10 रुपीज़ की नोट कितनी आएगी 3, एंड यहाँ पे 1 2 है तो मीन्स की 1 के कॉइन 2, यहाँ पे 55 है तो 10 के प्लेस पे 5 है एंड 1 के प्लेस पे भी 5 है, तो 10 के प्लेस पर जो 5 है तो 10 रुपीज़ की नोट आएगी 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे 1s के प्लेस पे भी 5 है तो 5 कॉइन आ जाएंगे 1 रुपीज़ के, 1 2 3 4 5, ये आपको कर देना है टेक्स्ट बुक में लिखकर, फिर आपको उसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक, तो यहाँ पे हमें नोट्स एंड कॉइन्स की पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है, फिर उससे कितने मनी बनते हैं हमें वो लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें अमाउंट दी हुई थी, नंबर ऑफ जो यहाँ पे दिए थे वो दिए हुए थे, और उससे के ऊपर से हमें नोट्स और कॉइन्स ड्रॉ करने थे, तो यहाँ पे उल्टा है, नोट्स एंड कॉइन्स ड्रॉ किए हुए हैं और यहाँ पे हमें अमाउंट लिखना है। सो फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर अस, यहाँ पे 10 रुपीज़ की कितनी नोट है 3, तो 1 2 एंड 3, और 1 रुपीज़ के कोई कॉइन एक भी नहीं है, तो मीन्स की क्या आ जाएगा उसकी जगह पे, और 10s के प्लेस पे ये जो 10 का प्लेस है एंड दिस वन इज 1s, तो यहाँ पे जो 10 है उस पर यहाँ पे 3 दिए हो तो 3, एंड 1 पे कुछ भी नहीं है, एक भी कॉइन नहीं है, तो यहाँ पे 0, जैसे हमने देखा था 20 में 2 नोट्स ड्रॉ की थी, तो सो आगे 10 के प्लेस पे 2 एंड 1 पे 0, कोई भी कॉइन नहीं था, तो यहाँ पे भी कोई भी कॉइन नहीं है, तो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, और जो 10 का प्लेस है वह यहाँ पे 1 2 एंड 3। सेकंड वन, यहाँ पे हमें 10 रुपीज़ के कितने नोट दिए, 2 दिए हैं, तो फर्स्ट जो प्लेस होता है वो 10 का होता है 2 डिजिट नंबर में, तो यहाँ पे फर्स्ट में 2 नोट्स दी हुई है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 2, फर्स्ट 2, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 10 की नोट्स दी हुई है, एंड कॉइन्स 1 रुपीज़ 1 2 एंड 3, सो 1 के प्लेस पर क्या आएगा 3, दैट मीन्स कि ये कितने रुपीज़ है 23, हम इसे काउंट भी कर सकते हैं, 10 एंड 10 इज इक्वल टू 20, देन 21 22 एंड 23 इज इक्वल टू 23। थर्ड है, यहाँ पे हमें 10 रुपीज़ के एक भी नोट नहीं दिए, सिर्फ 1 रुपीज़ के कॉइन दिए, तो हम उसको पहले काउंट करेंगे ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हमें कॉइन्स कितने दिए 10। As we know that we can regroup 10 ones as a 1 10, अगर यहाँ पे 10 ones है तो इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम 1 10s, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 coins है तो आंसर क्या आएगा 10, क्योंकि we know that we can regroup 10 ones as a 1 10, सो यहाँ पे 1 and 10 की जगह पे 1 की जगह पे 0। नेक्स्ट है, यहाँ पे 10 रुपीज़ की हमें 2 नोट्स दिए, तो 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा फर्स्ट तो 2, देन 1 के कॉइन्स कितने हम वो काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 के प्लेस पे क्या आंसर आएगा 7, 2 7 27। लास्ट वन, यहाँ पे 10 रुपीज़ के हमें कितने नोट्स दिए, तो 1 2 3 4 नोट्स दिए 10 रुपीज़ के, तो 10 के जो फर्स्ट प्लेस होता है वो 10 का होता है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा फर्स्ट 4, देन हमें 1 रुपीज़ के कॉइन्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5, सो दैट्स वाई 1s प्लेस 5 इज इक्वल टू 45, 10 10 10 इज इक्वल टू 10 20 30 एंड 40, एंड 41 42 43 44 45 इज इक्वल टू 45। तो हमने जो भी यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखकर फिर नोटबुक में कॉपी डाउन कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 डिजिट नंबर में जो फर्स्ट प्लेस होता है वो 10s का होता है और जो सेकंड होता है वो 1s का होता है, तो यहाँ पे जो 10 रुपीज़ की नोट दी है उसको हम 10 में लिखते हैं, एंड जो 1 रुपीज़ के कॉइन है उसमें 1 में लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 लिखा हमने, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखा, तो उसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।